और हाँ, बचपन की मेरी फ्रेंड्स, फ्रेंड मुझे कहना नहीं चाहिए, दिव्या गौतम, सुष्मिता सिंह, बहुत दिनों तक बहुत एटीट्यूड दिखाया। फिर वो सुष्मिता मुझसे वापस जुड़ने की कोशिश करके भी, हाँ, फादर वॉज टीजिंग मी कि इसकी तो हाइट अच्छी जा रही थी बचपन में ही सुष्मिता, कि कुछ लोग शुरू में बढ़ते हैं बाद में उनकी हाइट रुक जा, तुम्हारी ही नज़र लगी, ब्लडी ड्वार्फ। मैं तो ठीक ही जा रही थी, मेरा सब कुछ तुम जैसी, मैंने गलती की, मुझे अच्छे बच्चों से दोस्ती, जो लुक्स में, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इंटेलिजेंस में मेरे लेवल के थे। मैंने सब कुछ भुला के कि सोचा ठीक है हम BHU वाले बच्चे हैं एक जैसे बैकग्राउंड के, तो मैंने तुम लोगों से दोस्ती रखी और तुम लोगों ने हमेशा मुझे एटीट्यूड, भद्दा एटीट्यूड दिखाया। नोइंग द फैक्ट दैट मेरी लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट, यू नेवर ट्राइड टू एनकरेज मी, हेल्प मी। और वो दिव्या खुद, उसका 10th खराब हो गया था, तो एहसान करी थी मेरे साथ दोबारा 10th करके। शी ऑल्सो नीडेड समबडी, शी यूज मी, ठीक है, उसमें मेरा भी उद्धार हुआ, बट वो उसका नई मोटिव था मेरा उद्धार करने का। वो तो वहाँ भी लड़कों को भड़काने लगी उस स्कूल में कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। लड़कों ने बताया कि वो तो तुम्हारे पीठ पीछे ऐसे ऐसे बोलती है। मैंने उसको फ़ोन भी किया, बोला भी कि ये क्या तुमने वहाँ पे मेरे लिए ऐसे ऐसे बोला, तब भी मेरी आंखें नहीं खुली कि आई हैव टू लीव हर, आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स विथ हर, नॉट माई लेवल काइंड ऑफ अ गर्ल, ऑलवेज जेलस, ऑलवेज एनविंग। और मैं साफ दिल, इनोसेंट गर्ल, ऑलवेज ओके, कोई बात नहीं। लंका पे मिली बहुत सालों बाद, वहाँ भी चिढ़ाया, वो तुम्हारा ओराजेशन हो गया, नहीं हो पाया था, ठीक है, नहीं हो पाया था, हो गया। मैं तो USA जा रही हूँ, मैंने कहा ठीक है, मैं भी ऊटी जा रही हूँ। जस्ट ओनली शोज कि तुम्हारा क्या कल्चर, क्या बैकग्राउंड, कि तुम जैसे लोग प्रूव करते हो यू डोंट डिजर्व लिबरल सोसाइटी हो जाने का, गलत फ़ायदा उठाया तुम लोगों ने, नहीं होना चाहिए था सच में, रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, लिबरल सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज तुम लोग सख्ती में ही ठीक रहते हो, तुम लोग को जब तक तुम्हारी बताई नहीं जाए औकात, तुम लोग ऐसे ही करते हो, मुझे नज़र लगाते रहते थे। पता नहीं क्या था इस दिव्या को, बार बार जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, मेरे घर ही रुक जाओ, मेरी नानी को नहीं भी पसंद था ये सब, कि क्या है अपने घर ले जाती रात में सोने के लिए, बार 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 बार, पता नहीं लोगों को क्या बोलती भी होगी, मैं इनोसेंट बच्ची, इसके जैसी चंट थोड़ी थी, अपनी तो बड़ी बहन की डेथ के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा था इसको। दिव्या गौतम, अभी बहुत बड़ी तुम एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो गई हो, तुम्हारी औकात नहीं है वो सब बनने की। जो बच्ची बचपन में पढ़ने में इतनी वीक थी, मेरे से तो तुम सीख रही थी, फिर मेरा तो तुमने ख़राब कर दिया। पता नहीं तुम्हारे फादर भी क्या क्या खिला, तो पानी में कुछ, आई डोंट नो। वैसे भी मेरी खुद की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब थी, यू यूज्ड मी, शेमलेस पीपल, गिल्टलेस पीपल, तुम लोग देवी माँ और ईश्वर के आगे नाक रगड़ोगे अब, तब भी शायद तुम्हें क्षमा नहीं प्राप्त होगी, फॉरगिवनेस नहीं मिलेगी, माफ़ी नहीं मिलेगी, पाप किया है तुमने, एक बच्चे को तुम लोगों ने घसीट के रख दिया। तुम्हारे माँ बाप यही सिखाते थे तुम्हें कि उसको ताने मारो, उसको मुँह नाक बनाओ उसके ऊपर, सिंपथी एम्पथी नाम की चीज़ नहीं, और तुम लोग बात करते हो सिंपथी एम्पथी की, डिस्गस्टिंग पीपल। वो नकचढ़ी लड़कियां भी लैंसेस की तुम लोग से तो अच्छी थी, दे हैड समथिंग, यू हैड नथिंग। गंवार, गंवार भी दूसरे लेवल का, जिसमें एंटरप्राइजिंग वो भी नहीं होता है कि ठीक है, हैव रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अप्रिसिएशन, हम्बलनेस नहीं, जरा मेरे से आगे। क्या बोलती थी सुष्मिता बचपन में, मैं मुझे चाइनीज चेकर्स हम खेलते, एक बार हार जाओ हर बार तो जीत जाती, नहीं है तुम्हारी औकात जीतने की, फिर तो तुम खुशी होने लगी कि तुम आगे जा रही हो मैं पीछे, तो यू वर हैप्पी। तुम्हें क्या पता, मेरे पास मेरी दादी का ब्रह्मा, जिस दादी का तुम मजाक, मेरी बुक पे तुमने देख के कहा था कि अरे इसमें दादाजी का नाम है, नानी की तुम्हारे लिए सब कुछ और दादाजी का नाम लिखी हो, यू सेड दैट व्हेन आई हैड कम टू योर हाउस एंड योर फादर वॉज टीजिंग मी। तुम्हारे फादर अच्छे नहीं है सुष्मिता, नहीं है, ही हैज मेड यू अ पॉइजनस पर्सन लाइक हिमसेल्फ, ही इज पॉइजनस एंड योर मदर इज स्टिल बेटर एंड योर फादर ही एनवीड मी, और उन्होंने वो जहर तुम्हारे अंदर भी भर दिया,
तुमने गेस्ट को बुलाया उसको बदनाम और उसको तकलीफ देने के लिए उसकी सेंटिमेंट्स को, मैंने उसी दिन तुम्हें बोल दिया ठीक है। मैंने घर आके पहले तो तुम्हारा नंबर ब्लॉक किया और तुम्हें मैसेज कर दिया था कि वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स, यू डिडंट ट्रीट मी लाइक अ फ्रेंड। इतनी जेलस हो गई तुम्हारी डॉटर मुझे नहीं मौसी बोलना चाह रही थी दीदी, तो यू गॉट जेलस। यस यू डिड गेट जेलस, यस आई डू लुक यंग, दैट्स माई गॉड गिफ्ट, नेचुरल थिंग, और मेरी दादी की तांत्रिक सिद्धियाँ हैं वो, तुम लोग क्या जानोगे, वो सिद्धियों के लिए बहुत वो ध्यानमग्न होना पड़ता है, उसके लिए बहुत डेडिकेशन डिवोशन चाहिए। है तुम्हारे अंदर, नहीं हो सकती है, बुरे लोगों में पापी लोगों में वो ध्यान मग्न होने की धैर्य ही नहीं आ सकती है। मुझे नहीं मिले सक्से ना किड्स, जहाँ मैं यानी तो शुरू से मिलते और फ्रेंड्स मैं भी बनाती, उनको पता भी नहीं था, जो थे थोड़े बहुत भी थे उनको नहीं पता था या मेरे टाइप के। हाँ दीप्ति सिन्हा से मुझे फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, मुझसे भूल हुई कि अपने जैसे बच्चों में ना मिल, जूही श्रीवास्तव से भी करनी चाहिए थी, आफ्टर ऑल शी इज़ अ श्रीवास्तव, और वो तो पढ़ने में दिखने में भी अच्छी थी। मैंने उन लोगों को छोड़ के चूहियों जैसी लड़कियों से दोस्ती की, और पहली बार सुची ने नोटिस किया कि मेरी हिंदी अच्छी है, पोशंपा भाई पोशंपा, डाकिये ने क्या किया, 100 रुपये की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। क्या कहते थे तुम लोग, जेल का रोटी खाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। शी नोटिस्ड इट, और तब से वो थोड़ा मुझे एक्नॉलेज भी करने लग गई थी, थर्ड से ही शी नोटिस्ड दैट आई वॉज अ फूल गोइंग ऑन मेकिंग फ्रेंड्स विद पीपल हु डिडंट इवन डिजर्व मी, डूइंग फेवर अपॉन मी, मुझ पे एहसान कर रहे हो तुम लोग।